आज हम छात्रों कक्षा नौवीं विज्ञान विषय में अध्याय 10 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, इसके भाग एक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से आपको मालूम है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या है कि विश्व में जो भी पिंड हैं, जो भी वस्तु हैं, तो दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल लगता है। आकर्षण, विकर्षण नहीं, आकर्षण बल को हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कि आप देखते हो कि चंद्रमा है और पृथ्वी है, तो चंद्रमा भी एक पिंड है और पृथ्वी भी एक पिंड है, उनके बीच में भी एक बल लगता है, इस बल को हम बोलेंगे आकर्षण बल। आप देखते हो कि चंद्रमा पृथ्वी का क्या लगाता है, चक्कर। इसको एक उदाहरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। देखिए, एक ये लड़का है, ये पत्थर को घुमा रहा है वृत्तीय मार्ग में, तो वह बल, ये बल है जो किसी वस्तु को भी एक वृत्तीय मार्ग में, ये वृत्तीय मार्ग में उसको गतिशील रख सके, परिक्रमा लगा सके, वो बल। और उसकी जो दिशा होती है वो केंद्र की ओर होती है, तो इस प्रकार केंद्र की ओर लगने वाला ये बल कहलाता है अभिकेंद्र बल। और चंद्रमा इसी अभिकेंद्र बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब हम पढ़ेंगे, एक है गुरुत्वाकर्षण नियम जो कि न्यूटन ने दिया, कि कोई भी दो पिंड हैं उनके बीच एक आकर्षण बल का अनुभव लगता है। तो ये जो बल है, ये मान लो दो पिंड हैं, एक ए पिंड ये है और एक बी पिंड है। मान लो इसका द्रव्यमान है एम, और कैपिटल एम, और इसका है स्मॉल एम। तो इन दो पिंडों के बीच जो बल लगेगा, और इनके बीच की दूरी है डी, तो बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। देखिए, दूरी का वर्ग नीचे आया है, यहाँ समानुपाती का चिन्ह हमने हटा दिया है और यहाँ पर एक नीतांक लाए जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नीतांक कहते हैं। तो यह है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो कि न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, इसका दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। ये जो बल है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल है, ये हमें पृथ्वी पर बांधे रखता है, बांधे मतलब प्रत्येक दो पिंडों के बीच कार्य करता है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति होती है उसमें भी ये नियम लागू होता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा और सूर्य के कारण समुद्र में ज्वार और भाटे आते हैं। हम देखते हैं कि न्यूटन ने जब देखा कि एक ऊपर से गिरता हुआ सेब हमेशा पृथ्वी पर ही आता है, और लेकिन हमने पढ़ा था गति का तीसरा नियम कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो जैसे सेब पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी ने भी उस पर बल लगाया और सेब ने भी लगाया, लेकिन सेब हल्का है, पृथ्वी भारी है, तो हमें उसकी ओर गति करते हुए दिखाई नहीं देती। मुक्त पतन क्या है, जब पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती है, तो उस बल को हम बोलते हैं गुरुत्व आकर्षण बल। तो जब वस्तुएं केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हैं, जब वो गिर रही होती हैं, तो हम उससे कहते हैं मुक्त पतन। एक और शब्द आता है गुरुत्वीय बल, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इस बल को हम बोलेंगे गुरुत्वीय बल। जब जैसे पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु गिर रही है, कोई गिरता हुआ पिंड है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, त्वरण आप पढ़ चुके हो, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी गिरते हुए पिंड में त्वरण को हम क्या कह सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, और इसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वीय त्वरण है जी, उसका मान होता है पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार, इन दोनों में क्या अंतर है।
किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वास्तव में वो उसका जड़त्व है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा जड़त्व भी उतना ही होगा। तो किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान। और भार क्या है? द्रव्यमान में हम गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर देंगे तो वो भार निकल जाएगा। तो पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम बोलते हैं भार। तो द्रव्यमान और भार में थोड़ा सा अंतर है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता लेकिन भार चंद्रमा पर पृथ्वी पर बदल सकता है। आप देखेंगे द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो द्रव्यमान में जो पदार्थ की जितनी मात्रा उसमें शामिल है वो उसका द्रव्यमान होगा, और भार भार में उस पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या बोलेंगे? भार कहेंगे। जैसे द्रव्यमान m से प्रदर्शित करेंगे तो भार को mg से प्रदर्शित करेंगे। द्रव्यमान हमेशा हर जगह समान होगा लेकिन भार बदलता रहता है अलग अलग स्थानों पर। किसी वस्तु का द्रव्यमान कहीं भी शून्य नहीं हो सकता है, जो है वास्तविक रहेगा, लेकिन जो वस्तु का भार है वो भारहीनता की स्थिति में शून्य भी हो सकता है। द्रव्यमान को हम एक भौतिक तुला दंड तुला से नाप सकते हैं और भार को हम स्प्रिंगदार कमानीदार तुला से ही नापेंगे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, भार का मात्रक किलोग्राम भार या किलोग्राम बल, या इसका जो मात्रक है वो है न्यूटन। जो बल का मात्रक है वही भार का मात्रक कहलाएगा। हम देखते हैं कि जो वस्तु पृथ्वी पर भारी लग रही है वही वस्तु चंद्रमा पर हमें हल्की लगने लगती है। ऐसा क्यों? किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। इसका कारण मैं यहाँ बता रही हूँ। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/6 होता है, 1/6 गुना होता है। यदि हम किसी वस्तु का भार और उसका द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है इसलिए किसी वस्तु का चंद्रमा पर इसका भार 1/6 गुना होता है। मतलब वो वस्तु चंद्रमा पर हमें हल्की प्रतीत होगी क्योंकि वहाँ पर जी का मान बदल जाता है। आपने देखा होगा कि एक पतली और मजबूत डोरी से हम एक स्कूल बैग भारी उठाएं तो कठिन होता है। यदि वो जो डोरी है थोड़ा चौड़ी रहे, चौड़ा पट्टा रहे, तो वो हमें आसानी से हम उसको उठा सकते हैं। इसका कारण क्या है? जो डोरी पतली रहेगी उसका क्षेत्रफल कम रहेगा, कम स्थान घेरेगा, और वो पूरा अपना दबाव किस पर डालेगा? बैग पर। इसलिए हमें वो बैग उठाना कठिन लगता है। धन्यवाद।